यह अद्भुत कलाकृति के बारे में हम बताना चाहेंगे। इसकी विशेषताओं को यदि जानना है तो आइए इसे करीब से देखने का प्रयास करते हैं। नजदीक से इस कलाकृति को जब हम देखते हैं तो क्षमा कुलश्रेष्ठ की कल्पनाओं और कल्पनाओं में हजारों भगवान विघ्नेश्वर यानी गणेश जी के हजारों स्वरूप जिस तरह से क्षमा ने उकेरे हैं, उससे क्षमा की विलक्षण प्रतिभा अपने आप ही उजागर हो जाती है। जरा गौर से निहारिए इस कला चित्र को, जिसे क्षमा ने बेहद ही तल्लीनता, कला कौशलता और सब्र के साथ बनाया है। क्षमा के लिए यह और भी स्पेशल है क्योंकि इसे बनाने से पहले ही अपने स्वप्न में क्षमा ने अपने मानस पटल पर चित्रित कर लिया था, फिर बीड़ा उठाया इसे यथार्थ में साकार करने का। इसे पूरा करने के जज्बे के साथ क्षमा जुट गई इसे बनाने के लिए और इसमें लोगों का भरपूर हौसला भी मिला। इस पेंटिंग के बारे में हम बताना चाहेंगे कि 5x3 के कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से लगभग 1248 गणेश की आकृतियां बनाई गई हैं। सभी आकृतियां अपने आप में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। क्षमा ने इसमें 4215 के लगभग कलर्स के शेड्स बनाकर इसे अंजाम दिया है और खास बात यह है कि कोई भी कलर शेड पुनः प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ 000 ब्रश के उपयोग से और लगभग एक वर्ष के अथक प्रयास और अपनी कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए क्षमा ने आप जैसे कलापारखियों के समक्ष यह अद्भुत कलाकृति प्रस्तुत की है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि विघ्न विनाशक गणेश के इतने स्वरूप सभी का कष्ट हरेंगे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।